तो जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण से सुंदर पाठ। अब रघुपति पद पंख रूही धरी, पाई प्रसाद केहूँ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनय राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हित चित जितेंद्री दया की निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर कद रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुष के नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर मकर राशि पर जाते, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परस यखय बटु वर्ष हर्षय ताता। भरद्वाज समति पावन, परम रम मुनि वर मन भावन। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का सम बहुत ही पवित्र परम रमणी और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला। ता हो मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्ज ही प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीरथ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन सी मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुड़ता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं, तत्व भी भाग कहें, भगति भगवंत के सज्जुत ज्ञान विराग, लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का प्रभान तत्वों विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरिओम। बोलिए जय श्री राम।